दिवाली का त्यौहार आने वाला है और दिवाली में बिजली की खपत काफ़ी बढ़ जाती है, और आमतौर पर धनतेरस से उसके बाद दिवाली के एक दो दिन बाद तक लगभग 4-5 दिन का एक वातावरण जो है वो उत्सव का रहता है, लोग त्यौहार मनाते हैं। तो क्या तैयारी है विभाग की, किस तरह से दिवाली का बेहतर सप्लाई देने का प्रयास किया जा रहा है? इसके दो पहलू रहेंगे। एक तो जो हमारी सप्लाई है उसको हम अधिक से अधिक दे सकें, तो उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से जैसा आज के उसमें न्यूज़पेपर्स में आया भी है, और अधिक बिजली की खरीद की खरीदी जाएगी, ताकि हम जहाँ पे क्षेत्रों पे जहाँ पे अभी रोस्टर के हिसाब से 18 घंटे या 20 घंटे मिलना है, वहाँ पे अधिक बिजली की आपूर्ति की जाए। इसके अलावा है कि सुचारू रूप से हम बिजली व्यवस्था को बनाए रखें, उसके लिए अनुरक्षण के कार्य हर अधिशासी प्रधान को हमने निर्देश दिए गए थे ऑलरेडी, कि अपने क्षेत्र में जितने भी सबस्टेशंस हैं या कोई पावर ट्रांसफार्मर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनको देख लें, और जहाँ जहाँ पे जो छोटे मोटे मरम्मत के कार्य हैं, लाइन के मरम्मत के कार्य हैं, वो प्राथमिकता पे ले लिए जाएं। तो इन दोनों को मिला के मुझको लगता है कि इस बार हम जो आने वाला जो हमारे फेस्टिवल्स हैं दिवाली का और धनतेरस का, उसमें हम अच्छी बिजली प्रदान कर पाएंगे। दिवाली में रात में फॉल्ट की बातें होती हैं, कई बार फॉल्ट की समस्या आती है, क्रैकर्स भी जलाते हैं लोग, तो रात में ट्रांसफार्मर वगैरह प्रभावित ना हो, इसलिए रात में जो है क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए क्या डायरेक्शन? उस दौरान हम स्पेशल गैंग्स लगाते हैं कि ताकि जो अगर कहीं पे कोई फॉल्ट आई है तो उसको हम तेज़ी से उसका निस्तारण कर सकें। कल ही बैठक हुई थी जिसमें हम डीएम और एसपी दोनों मौजूद थे, तो उसमें भी ये हमने हमारे दोनों जो चीफ इंजीनियर लखनऊ जोन के हैं, मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ, तो उनको निर्देश दिया गया है कि जो हमारे गैंग्स हैं उनके नंबर्स वगैरह आपस में शेयर कर लिए जाएँ, ताकि उस पर जो कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बहुत जल्दी तरीके से हमको मिल जाए और उस पर हम अमल कर सकें, ताकि जो व्यवधान अगर यदि कोई आता है बिजली में तो कम से कम समय के लिए रहे। इसके अलावा एक अपील मैं करना चाहूँगा कि जहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर्स वगैरह लगे हैं, जनता से अपील है कि उस जगह को थोड़ा सा बचा के पटाखे वगैरह चलाएं, ताकि कोई दुर्घटना होने से बच जाए, और चूंकि ये थोड़े से सेंसिटिव चीज़ें रहती हैं ट्रांसफार्मर्स वगैरह, तो वहाँ पर आग वगैरह लगने की भी डर रहती है, तो एक अपील है कि वहाँ से थोड़ा सा हट के पटाखों का को जलाएँ और उनका प्रयोग करें।